Hello everyone, good morning and welcome back to the 247. This is your daily current affair class, जिसमें हम पीछे का जो डे चला जाता है हमारे उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं. आज का जो क्लास है वो हम बोर्ड पर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले जो आपके क्लासेस होंगे वो बोर्ड पर ही होने वाले हैं. ओके, सो आई होप आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे आज की क्लास के लिए. सो आप जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अगर आप रेडी हैं क्वेश्चन के लिए तो आप यहाँ पर यस मैम बोल सकते हैं और फिर हम शुरू करते हैं हमारा सेशन. ओके, सो यहाँ पर देखो जो भी लोग आ चुके हैं सेशन को यहाँ पर लाइक कर दें. ओके, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2019 कॉन्क्लूडेड रिसेंटली इन बीजिंग चाइना. ठीक है, तो देखो ISSF जो है वो अंडरवे कहाँ पर किया गया था, दिल्ली में किया गया था, लेकिन इसके कुछ इवेंट्स जो हैं वो कहाँ पर हुए थे, बीजिंग चाइना में भी हुए थे. ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है पूरा जो चैंपियनशिप था इसको किसने टॉप किया है, विच कंट्री टॉप द चैंपियनशिप. ओके, सो यू हैव टू टेल मी हियर व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर. फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन में से आपको, थर्ड फोर्थ ऑप्शन में से आपको मुझे यहाँ पर बताना है क्या यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज अवर इंडिया. ओके, सो हमारा जो इंडिया है उसने क्या कर दिया है, ISSF जो चैंपियनशिप है उसको क्या कर दिया है, टॉप कर दिया है. ठीक है, तो दिस इज अ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. सो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है पूरा मेडल टैली. ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, सेकंड पे चाइना रहा, थर्ड पे रशिया रहा है. ठीक है, तो इंडिया के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि ISSF चैंपियनशिप जो था उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते राइफल और पिस्टल कैटेगरी में. ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे इंडिया ने टोटल 4 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 3 जो थे वो गोल्ड मेडल थे. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिया की मेडल्स 4 हैं, लेकिन चाइना की मेडल 5 है, लेकिन फिर भी इंडिया जीत गई क्योंकि इंडिया के गोल्ड मेडल्स जो थे वो मैक्सिमम थे. ओके, सो इंडिया वॉज अ विनर हियर. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कॉन्क्लूडेड, हु वन द मैन सिंगल टाइटल. आपको यहाँ पर बताना है 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो है वो कॉन्क्लूड हो चुकी है, मैन सिंगल टाइटल जो है इनमें से किसने जीत लिया है. ओके, इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि विमेन सिंगल टाइटल जो है वो किसने जीता है. ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें जो हैं आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैंटो मोमाटा. ओके, सो कैंटो मोमाटा जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो जापान से बिलोंग करते हैं. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है. ओके, सबसे यहाँ पर पूछा जा सकता है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या बता देंगे कैंटो मोमाटा जो है वो जापान से बिलोंग करते हैं. इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो रही उसका वेन्यू क्या था. ओके, सो आपको मुझे यहाँ पर बताना है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का वेन्यू क्या था. ओके, सो हमारे बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का जो वेन्यू रहा वो क्या था, वुहान चाइना. ओके, सो अब सारी ही हमारी चैंपियनशिप जो मैक्सिमम चैंपियनशिप हुई है वो कहाँ पर हुई है, चाइना में हुआ है. तो आपको ये जो नाम है यहाँ पर याद रख लेना है, वुहान चाइना वॉज द वेन्यू ऑफ बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड इट वॉज द 39th एडिशन. ओके, अगर आपसे एडिशन पूछा जाएगा तो आप 39th एडिशन यहाँ पर बता देंगे. मूव करते हैं हमारे यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पर आपको इमेज दिखता है केंटो मोमाटा का. ठीक है, तो यहाँ पर आपको उनका कंट्री भी पता होना चाहिए और वो कौन से गेम से रिलेटेड हैं, बैडमिंटन से वो रिलेटेड है. ओके, सो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो दिस इज द वन क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द ओबिट्यूरी. ये ओबिट्यूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है पुंगम कनन पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फील्ड. ठीक है, तो आपको बताना है पुंगम कनन जो हैं जिनकी अभी डेथ हो चुकी है वो इनमें से कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है उसमें से क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है. ओके, सो आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे थर्ड क्वेश्चन का क्या यहाँ पर आंसर हो सकता है. सो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पुंगम कनन जो थे वो क्या थे, हमारे फुटबॉलर थे, इंडियन फुटबॉलर थे. ठीक है, सो वो किससे रिलेटेड थे, फुटबॉल से रिलेटेड थे. दिस इज द वन थिंग जो आपको पता होना चाहिए. पुंगम कनन जो है उनको एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज एशियन पेले. ओके, सो आपको पता है पेले जो थे वो काफ़ी अच्छे प्लेयर थे फुटबॉल के, तो उसी तरह से एशियन पेले जो बोला जाता था वो किसको बोला जाता, पुंगम कनन को यहाँ पर बोला जाता था. ओके, पर आप इनका इमेज भी देख सकते हैं, ये जो इमेज दिख रहा है आपको ये पुंगम कनन का है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इराइट, सो दिस इज द वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल टू रिव्यू द माइक्रो इंश्योरेंस फ्रेमवर्क. ठीक है, सो आपको एक टर्म याद रख लेनी है यहाँ पर, माइक्रो इंश्योरेंस. ठीक है, सो इराइट ने एक पूरा पैनल बनाया है किसके लिए, माइक्रो इंश्योरेंस फ्रेमवर्क के लिए. यू हैव टू टेल मी
हु हैड एट दिस पैनल. ओके, सो ये जो यूडाई का पैनल है इसको किसने हैड किया है, आपको बताना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सुरेश माथुर. ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. अगर आपसे ये माइक्रो इंश्योरेंस फ्रेमवर्क का पैनल पूछा जाएगा उसको हेड कौन कर रहे हैं, सुरेश माथुर जो है उसको हेड कर रहे हैं. अब आप मुझे यहाँ पर बताएंगे इरडाई जो है हमारा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. अगेन यू हैव टू टेल मी हु इज द चेयरमैन ऑफ इरडाई. ओके, सो ये दोनों क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको यहाँ पर करना है. यहाँ पर अगर आपसे हेडक्वार्टर इरडाई का पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगी, हैदराबाद जो है वो कहाँ पर है, वो क्या है, इरडाई का हेडक्वार्टर है. चेयरमैन अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिख रहे थे सुभाष चंद्र खुंटिया, ठीक है, तो सुभाष चंद्र खुंटिया ऑप्शन नंबर 1 जो था वो क्या है, चेयरमैन है किसके, इरडाई के. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू 2019 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट हाउ मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर फेसिंग क्रॉनिक फूड डेप्रिवेशन, ठीक है, जिनको फूड की कमी है, ठीक है, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो मल न्यूट्रिशन से यहाँ पर अफेक्टेड हैं, तो ये यहाँ पर आपको बताना है. ये रिपोर्ट जो थी वो कौन सी रिपोर्ट थी, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, तो आपको बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है. आई नो थोड़ा नंबर जो होता है उनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आप वो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी. अगेन वी विल प्रोवाइड यू द PDFs. ओके, सो अभी एक दो दिन में सारे क्लासेज जो है उनका PDF भी आपको मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको नोट्स बनाने की यहाँ पर जरूरत है. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज 821 मिलियन, ठीक है, तो कितने हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में देखें जो मल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड हैं, जिनको खाना नहीं मिल पाता, ऐसे 821 मिलियन पीपल हैं, एंड दिस इज द वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन. ओके, आप देख सकते हैं कितना क्रिटिकल कंडीशन है यहां पर. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एक बुक से रिलेटेड है, आपसे यहाँ पर इस बुक के ऑथर पूछा जा रहा है, हु ऑथर द बुक पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक, ठीक है, तो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ आपको मुझे यहाँ पर बताना है वो किसकी एक बुक है, उसके ऑथर कौन है. जो भी यहाँ पर ऑथर हैं वो एक जर्नलिस्ट भी हैं, आप बता सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर, सबा नकवी जो हैं शी इज ऑल्सो जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट भी हैं और वो उन्होंने क्या किया है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ जो बुक है उसको ऑथर किया है, जिसका इमेज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं. ओके, सो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक जो है वो किसकी बुक है, सबा नकवी की बुक है, एंड दिस इज द वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बिल्कुल स्टैटिक में पूछा जा सकता है. ओके, सो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हु हैज बीन कन्फर्ड विद आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज अ प्लेयर 2019 बाय इंडियन गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन, ठीक है, तो इंडियन गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन ने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट प्लेयर को किस प्लेयर को दिया है. 1, 2, 3, 4 में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है ये आपको मुझे बताना है. ओके, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज गगनजीत भूलर. ओके, सो गगनजीत भूलर दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर है, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है. ठीक है, तो आपको मुझे बताना है हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन. इंडियन गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है उसके प्रेजिडेंट का क्या नाम है, ये आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है, जो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगी. जब तक हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ओके, सो देखिए अगर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं तो आप सेशन को एक लाइक दे सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू फाइट एट न्यूयॉर्क्स आइकॉनिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन, ठीक है, तो न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में फाइट करने वाले पहले रेसलर कौन है, ये आपको यहाँ पर मुझे बताना है. एंड ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, आज तक कोई भी इंडियन वहाँ पर नहीं फाइट किया है उसने, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है. वन मोर हिंट फॉर यू, वो जो भी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं. ओके, सो हरियाणा से भी बिलोंग करते हैं वो, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, बजरंग पूनिया है. वो सुशील कुमार नहीं है, वो कौन है, बजरंग पूनिया है. अब आपको पता होना चाहिए बजरंग पूनिया जो है उन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो अभी हुआ था उसमें क्या जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है. ठीक है, तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 65 kg कैटेगरी में अगर आपसे पूछा जाए किसने गोल्ड मेडल जीता तो आप क्या बता देंगी, ही वॉज बजरंग पूनिया अगेन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर आप इनका इमेज भी देख सकते हैं बजरंग पूनिया का. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वन द बार्सिलोना ओपन 2019, बार्सिलोना ओपन जो था वो किसने जीत लिया, इट वॉज अ
टेनिस टूर्नामेंट, वो कैसा टूर्नामेंट था, टेनिस टूर्नामेंट था, ठीक है। तो ये सारे जो यहाँ पर प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में, वो सभी किससे रिलेटेड हैं, टेनिस से रिलेटेड हैं। तो आपको यहाँ पर मुझे करेक्ट आंसर बताना है 1, 2, 3, 4 में से। अगेन यू हैव टू टेल मी ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, दैट इज डोमिनिक थीम। ओके, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, He is related to the tennis. उन्होंने जीत लिया है बार्सिलोना ओपन 2019 एंड ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिया, ठीक है, वो कहां से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिया से यहां पर वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने जिसको बीट किया है, जिनको हराया है, वो कौन, सो डैनियल मेडवेदेव है, उनको उन्होंने क्या कर दिया है, बीट कर दिया है, जो कहां से बिलोंग करते थे, रशिया से बिलोंग करते थे। ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया एंड व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ रशिया। ऑस्ट्रिया और रशिया के स्टैटिक फैक्ट्स जो हैं आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताने हैं। देख, सो यहाँ पर आप उनका इमेज भी देख सकते हैं, ही इज डोमिनिक थीम, जिन्होंने क्या जीत लिया है, बार्सिलोना ओपन जो है उसको जीत लिया है। देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रोफेशनल फुटबॉलर एसोसिएशन अवार्ड 2018 एंड 2019 अनाउंस, ठीक है, तो PFA जो अवार्ड्स है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। इसमें काफ़ी सारे अवार्ड दिए गए हैं, जो सारे अवार्ड हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए आज कवर किए हैं। यहाँ पर आपको बताना है हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है। आपको 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से मुझे यहाँ पर बताना है। ओके, सो आपको मुझे यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, क्या हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो दोनों ही जो यहाँ पर हैं इनको दिया गया है। वर्जिल वैन डाइजेक जो है उनको भी दिया गया है, विवेनियन मिडेमा जो है उनको भी दिया गया है ये पूरा अवार्ड, ठीक है। तो उन दोनों का इमेज भी यहाँ पर आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। तो दोनों का ही नाम आपको याद रख लेने दें हैं, यहाँ पर आप उनका इमेज देख सकते हैं। वर्जिल वैन डाइजेक जो है PFA प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द ईयर बन गए हैं, फर्स्ट तो इनको अवार्ड दिया गया है, सेकंड जिनको अवार्ड दिया गया है वो कौन है, विवेनियन मिडेमा है, ठीक है। तो दोनों का ही नाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों का ही नाम किससे शुरू हो रहा है, यहाँ पर वी से शुरू हो रहा है, और आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं, दोनों प्लेयर्स को क्या दिया गया है, या अवार्ड दिया गया है। ओके, सो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज अगेन वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द अवार्ड, आपको यहाँ पर बताना है हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ PFA यंग प्लेयर ऑफ द ईयर। यंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसको यहाँ पर बोला गया है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पर मुझे करेक्ट आंसर बताना है। ओके, सो जो हमारा पहला अवार्ड दिया गया था वो भी 2 पर्सन को दिया गया था। अगेन दिस अवार्ड वॉज ऑल्सो गिवन टू द 2 पर्सनैलिटीज, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। ANC आर करेक्ट, रहीम स्टर्लिंग एंड जॉर्जिया स्टैनवे, ठीक है। तो दोनों को ही क्या दिया गया है, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अब दोनों का इमेज आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ये जो है वो कौन है, यहाँ पर रहीम स्टर्लिंग है। ओके, सो रहीम स्टर्लिंग का आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। अगेन ये जो है वो जॉर्जिया स्टैनवे हैं, तो दोनों को ही ये अवार्ड दिया गया है। ओके, सो देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक अवार्ड की बात होने वाली है, हु हैज बीन गिवन स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो दिस वॉज द थर्ड अवार्ड, तीसरा ही हमारा अवार्ड है। आपको बताना है स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड जो है यहाँ पर किसको दिया गया है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज स्टीफ हॉकटन, ठीक है। तो स्टीफ हॉकटन जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है, स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड, जिनका इमेज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो मेरिट अवार्ड बोल सकते हैं आपको आप इसको, या फिर स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड बोल सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये सारे अवार्ड आपको अच्छे से याद में रहेंगे। अगेन द फाइनल क्वेश्चन जो इस अवार्ड से रिलेटेड है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है हु हैज़ बीन द 2019 फुटबॉलर ऑफ द ईयर। PFA जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, ये आपको यहाँ पर मुझे बताना है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज रहीम स्टर्लिंग, ठीक है। सो रहीम स्टर्लिंग जो है उनका इमेज मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो उनको क्या बोला गया है, 2019 फुटबॉलर ऑफ द ईयर बोला गया है। ओके, सो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। सो यहाँ पर उनका आप इमेज जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको मुझे बताना है जो ये PFA है उसकी अभी CEO जो हैं वो कौन है। ओके, सो PFA के CEO कौन है, ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। देखते हैं आज का हमारा 14 क्वेश्चन, टोटल 16 क्वेश्चन है आज के क्लास में, ठीक है। तो दिस इज द 14 क्वेश्चन, लास्ट में आपको मुझे बताना है कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप ठीक कर पाए थे। विच कंट्री विड्रॉन फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस आर्म्स
ट्रेड ट्रीटी रिसेंटली, ठीक है, करने वाली कौन सी कंट्री बन गई, आपको मुझे यहाँ पर बताना है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज US. ओके, सो यूनाइटेड स्टेट्स जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. दिस इज द वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. आपको मुझे बताना है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, और इसके हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है. ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो हेड है किसके, यूनाइटेड नेशंस के. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच कंपनी अक्वायर्ड फिलिपींस लार्जेस्ट पर्सनल केयर कंपनी स्प्लैश. आपने भी स्प्लैश जो है उसके प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे. स्प्लैश जो है वो बॉडी केयर प्रोडक्ट्स है उसको लॉन्च करता है. तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी कंपनी ने स्प्लैश जो कंपनी है फिलिपीन की कंपनी है उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया है. 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज विप्रो. ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है. आपको मुझे बताना है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ विप्रो. विप्रो की प्रेसिडेंट कौन है. देखो फिलिपींस यहाँ पे बात होगी, फिलिपींस की जो कैपिटल है वो मनीला है, करेंसी जो है वो पीसो है. ठीक है, सो फिलिपींस मनीला पीसो आपको यहाँ पर याद रख लेना है. यहाँ पर हेडक्वार्टर है किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का. ADB का हेडक्वार्टर जो है वो भी कहाँ पर है, फिलिपींस मनीला में है. ओके, सो यहाँ पर जो इसके प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है, रजन कोहली. ओके, सो रजन कोहली जो हैं वो किसके प्रेसिडेंट हैं, विप्रो की प्रेसिडेंट हैं. ओके, सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ. इसका आंसर जो है वो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे सेशन के खत्म हो जाने के बाद में. ठीक है, सो हु अमंग द फॉलोइंग इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल अंपायर टू ऑफिशिएट इन अ मैंस ODI, यानी मैंस का ODI जो होता है उसमें पहली फीमेल अंपायर कौन बन गई हैं. 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है, ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है. ओके, सो आप मुझे यहाँ पर ये कमेंट करके बताएंगे. और अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं. कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं. कई बार कुछ जगह होती हैं आई नो वहाँ पर बोलने में कुछ गलती हो जाती है, बट आप उस गलती को सुधारते हो, आप वहाँ पर कमेंट करते हो. मैं आपका हर एक कमेंट देखती हूँ एंड आई एम सो मच थैंकफुल कि आप एक दूसरे को इतना हेल्प करते हो हर एक चीज़ में. ओके, सो होप यू हैव अ गुड डे. ओके, सो keep preparing, keep working hard. Okay, so thank you so much and have a good day. Bye bye.